हेलो फ्रेंड्स, आज जो एक ऐसे बिजनेस की बात हम करने वाले हैं जो आमतौर पर आप देखते होंगे, किसी का घर शिफ्ट हो रहा है तो एक गाड़ी या एक ट्रक जो होता है बाहर खड़ा रहता है, ढेर सारा सामान उसमें डाला जाता है और या फिर सामान जो है निकाल के उस घर में शिफ्ट किया जाता है। तो ये बिजनेस जो होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस। मूवर्स एंड पैकर्स से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मूवर्स एंड पैकर्स मतलब कि मूव हो जाइए और पैक कीजिए अपना सामान। अच्छा, मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई शिफ्ट कर रहा है, घर शिफ्ट कर रहा है। आप अपनी जॉब के हिसाब से घर शिफ्ट करते हैं, शादी ब्याह हो जाता है तब आप अपना घर शिफ्ट करते हैं, छोटे घर से बड़े घर में जाना है या फिर बड़े घर से छोटे घर में आना है, ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जो आप घर शिफ्ट करने के वक्त ध्यान में रखते हैं। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है वो होता है सामान, क्योंकि जब आप घर शिफ्ट करते हैं ना, क्योंकि हमने खुद घर शिफ्ट किया हुआ है, तो आपको घर शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा नौबत आती है कि भैया सामान कैसे शिफ्ट करें। पैकर्स एंड मूवर्स का जो काम होता है वो ये होता है कि सारे सामान को वो पैक करता है और साथ ही साथ फिर उसके बाद उस सामान को चढ़ाया जाता है, लेकिन उनकी गारंटी होती है कि कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए और साथ ही साथ सामान को सुरक्षित तरीके से वहां पर पहुंचाना है अपनी डेस्टिनेशन में और उस सामान को वैसे वहां पर रख के भी आना, यानी किचन का सामान है तो किचन में रखा जाएगा, ड्राइंग रूम का सामान है तो ड्राइंग रूम में रखा जाएगा। तमाम ऐसे फैक्टर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे इस बिजनेस को लेकर, तो आप अंत तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखने हैं बिजनेस को लेकर। चलिए, लोगों द्वारा जल्दी जल्दी फ्लैट या शहर बदलने की मांग को ध्यान में रखते हुए आप पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दरअसल पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस है कि यदि कोई अपना घर बदलना चाहता है, यानी कि वो एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक घर से दूसरे घर जाना चाहता है, तो उसके घर में सामान भी है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, क्योंकि जब हम सामान खरीदते हैं तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो में खरीदते हैं, लेकिन एक घर से दूसरे घर सामान ले जाना बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यदि हम किसी घर में ऊपर की मंजिल में रहते हैं या हम जिस जगह घर शिफ्ट कर रहे हैं वो ऊपर की मंजिल में है, तब ये प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आसान शब्दों में कहा जाए, पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस का तात्पर्य है कि किसी की घर की शिफ्टिंग में, किसी के सामान शिफ्टिंग में कुछ राशि लेकर उसको मदद प्रोवाइड करना, वो भी एकदम सुरक्षित तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस बिज़नेस को लेकर कि लाइसेंस, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो हर राज्य के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो उस हालात में आपको क्या करना है और कौन से लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी, अपना ट्रांसपोर्ट लेके जाने के लिए एलिजिबल हैं, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में देखिए। भारत में पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस का स्कोप, जिस तरह से भारत में लोगों द्वारा जल्दी जल्दी घर बदलना और एक जगह से दूसरी जगह मोड़ करना, एक जगह रुक करना बढ़ रहा है, तो इस बिजनेस का भविष्य काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस भी है जिसमें बहुत अधिक इन्वेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। खास बात यह है कि इस बिजनेस में तकनीकी कुशलता की भी आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस में आवश्यक है तो वो है बिजनेस प्लान, ग्राहकों को खुश करने की रणनीति और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखना आदि। पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस देश में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिसका काम घर और ऑफिस के सामानों को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। कभी कभी पैकर्स एंड मूवर्स का काम कॉर्पोरेट्स के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गुड्स शिफ्ट करने के लिए भी होता है। यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सर्विस सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक ही सीमित ना रखें, बल्कि कोशिश करें कि धीरे धीरे आपकी सर्विस पूरे भारत में फैल जाए। साथ ही एक बार जब आप एक ब्रांड के तौर पर पूरे भारत में अपना बिजनेस फैला लेते हैं तो आप इंडिया से बाहर भी पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विस प्रोवाइड कराएं। पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज, पैकर्स एंड मूवर्स के काम में पैकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, अनलोडिंग, अनपैकिंग और रीअरेंजिंग आदि शामिल है। पैकर्स एंड मूवर्स का काम इंटरस्टेट ऑफिस रिलोकेशन का भी होता है, साथ ही समय पड़ने पर कुछ सामान को स्टोर में रखना भी होता है। कार ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल गुड्स पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी पैकर्स एंड मूवर्स के अंतर्गत ही आता है। पैकर्स एंड मूवर्स द्वारा एंड टू एंड पैकिंग एवं शिफ्टिंग का कार्य पूरा करना है। यदि आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो आपको इन सर्विसेज के बारे में भी पता होना चाहिए और अपने बिजनेस का प्लान इन सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस कौन कर सकता है?
पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसके पास इंडस्ट्री में मार्केटिंग और साउंड नेटवर्क का अनुभव हो। सर्विस आधारित इंडस्ट्रीज होने के कारण पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस करना डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत में इस बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखें, इस फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत अधिक है क्योंकि इस बिजनेस को करना बहुत आसान है। एक रिसर्च के अनुसार इस बिजनेस में 45% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि भारत में लोग अब इस बिजनेस की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैकर्स एंड मूवर्स की आवश्यकता देश में कैसे बढ़ती जा रही है। कैसे शुरू करें पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस? पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस के लिए रिसर्च और प्लानिंग करें। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आवश्यक है कि आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग आपके रिसर्च के आधार पर होगी। आपके बिजनेस के बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, जैसे कि किस शहर में पैकर्स एंड मूवर्स की कितनी आवश्यकता है, लोगों को क्या चाहिए पैकर्स एंड मूवर्स से, मार्केट में कितनी डिमांड है और किस चीज की डिमांड है, कितने निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है, कितनी कमाई हो सकती है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी आपके बिजनेस में, क्या क्या सर्विस देंगे आप अपने ग्राहकों को आदि। इस तरह के हर सवालों को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी बारीकी से अपने बिजनेस का प्लान बनाना होगा, जिससे भविष्य में आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें और बढ़ा सकें। सही जगह का चयन करें। आप अपने बिजनेस को कहां से करना चाहते हैं, कहां पर ऑफिस खोलना चाहते हैं आदि के लिए रिसर्च करें और सही जगह का चयन करें। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक छोटा सा ऑफिस होना चाहिए जहां से आप सभी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकें। ये आवश्यक नहीं है कि ये कोई कमर्शियल जगह हो या कमर्शियल सेटअप हो। आप इस बिजनेस को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा घर है जिसका कमरा बाहर साइड हो, जिसे आप दुकान में या ऑफिस में कन्वर्ट कर सकें, तो आप अपने घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि आप दुकान किराए पर लेकर शुरू करना चाहते हैं तो आपको किराए के तौर पर 3,000 से 10,000 तक देना पड़ सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस और किस जगह पर अपना ऑफिस खोलते हैं। आपको 1,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी अपने बिजनेस के लिए, जिससे आप कार्टन, रस्सी और अन्य सामान को सही से व्यवस्थित कर सकें। साथ ही आपसे मिलने वालों को, आपके ऑफिस में आने वालों को बैठाने के लिए सही जगह का प्रबंध हो सके। ऑफिस और बिजनेस के लिए आवश्यक सामान। जब आप ऑफिस खोलते हैं तो आपको कुछ बुनियादी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे ऑफिस के लिए टेबल, कुर्सियां, ऑफिस स्टेशनरी, बिल बुक, कोटेशन बुक, विजिटिंग कार्ड, वाउचर, कंप्यूटर या लैपटॉप, वाईफाई आदि। क्योंकि आपका बिजनेस पैकर्स एंड मूवर्स का है, तो इसके लिए आपको पैकिंग मटेरियल, पैकिंग टेप, बॉक्सेस आदि पर भी अपना निवेश करना होगा। पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस के लिए माल कहां से लें? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कई अन्य सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आवश्यक है कि आप थोक से माल उठाएं, जिससे आपको आपके बजट के हिसाब से माल मिल सके। इस बिजनेस में लगने वाला सामान है कार्टन, पैकिंग पेपर, टेप आदि। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे थोक मार्केट से मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन थोक विक्रेताओं से संपर्क कर सकते हैं। इंडियन पैकिंग मशीनरीज, ये कंपनी फरीदाबाद की है। केस मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी नवी मुंबई की है। आप इन कंपनियों में भी माल उठा सकते हैं, वो भी थोक में। इसके अलावा आप जिस शहर में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वहाँ की लोकल मार्केट देख सकते हैं, डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। हर बिजनेस को कुछ कानूनी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस में भी आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे और कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे। स्वयं की कंपनी खोलने के लिए आपको विभिन्न बिजनेस एंटिटी जैसे प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि में से किसी एक के तहत अपने बिजनेस रजिस्टर कराना होगा। स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका आदि द्वारा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस पारित करवाना होगा। बिजनेस के नाम से पैन कार्ड बनवाना होगा। बिजनेस के नाम से चालू खाता खुलवाना होगा। GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए सोशल अकाउंट वेबसाइट भी बनवानी पड़ेगी। मूवर्स का व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप परिवहन विभाग से एक विशेष प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लाइसेंस को देने के लिए हर राज्य के अपने अपने नियम हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिस राज्य में व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं उस राज्य के DTO ऑफिस से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। हर राज्य में व्यापार करने की अलग प्रक्रिया है। इसकी जानकारी के लिए आप राज्य सचिव की वेबसाइट पर जाना होगा। उद्योग आधार MSME में पंजीकरण के लिए आवेदन करें, साथ में कई स्थानों के लिए पंजीकरण करवाएं, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा है जो कई जगहों पर आना जाना बाध्य होता है। भारत में पैकर्स एंड मूवर्स व्यवसाय के लिए आवश्यक दस्तावेज। इस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। पैन कार्ड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ID प्रमाण पत्र, अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो अलग प्रमाण लगेगा, बिजनेस का बैनर और बिजनेस की सील आदि। निवेश कितना होगा?
यदि आप इस बिजनेस को छोटे स्तर से बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का निवेश करना होगा। ये राशि आपके बिजनेस प्लान पर भी निर्भर करती है कि आप किस जगह कितना खर्च कर रहे हैं और आप किस स्तर पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट। इन दिनों पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस फायदे वाला है क्योंकि हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रतिदिन मूव करते हैं। उनमें से कई लोगों को आवश्यकता होती है कि कोई उनकी शिफ्टिंग में उनकी मदद कर सके। पैकर्स एंड मूवर्स की कुल लागत का इस बिजनेस में 30% से 50% तक प्रॉफिट है। अगर आसान भाषा में कहें तो 10 बुकिंग की कुल कीमत आप 1,00,000 ले रहे हैं तो 40,000 आपका जरूर बचेगा। पैकर्स और मूवर्स बिजनेस के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। मुद्रा लोन के तहत आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपके बैंक में अपना बिजनेस प्लान, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे आईडी प्रूफ, बिजली का बिल या डोमिसाइल जैसे रेजिडेंस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस के लिए खरीदे जाने वाले उपकरण, कोटेशन जहां से उपकरण को खरीद रहे हैं उस सप्लायर का नाम, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस जैसे बिजनेस के प्रूफ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आदि आवश्यकता होगी। वित्तीय योजना बनाएं। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका वित्तीय नियोजन है। क्योंकि ये बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कराने वाला व्यवसाय है इसलिए इसमें वाहन, उपकरण और कच्ची सामग्रियों में भी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको पैकेजिंग सामग्री, कर्मचारियों की लागत की गणना, परिचालन लागत और विपणन के खर्च का निर्धारण, इन सब वित्तीय की योजनाओं को बनाना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाएं और उसके आधार पर ही निर्णय लें। व्यापारिक उपकरणों के लिए पूंजी जमा करके रखें। कर्मचारियों की बहाली के लिए पूंजी की व्यवस्था बनाए रखें। क्षतिपूर्ति के लिए बीमा पॉलिसी लें। मूल्यों को निर्धारित करें। लोन को पहले से ही सुनिश्चित करें कि लोन लेना है या नहीं, या फिर कितने का लोन लेना है आदि। पैकर्स और मूवर्स कंपनी की मार्केटिंग करें जिसके लिए आपको अलग से बजट बनाना होगा। तो देखा आपने दोस्तों कि पैकर्स एंड मूवर्स का ये बिजनेस जो है वो आगे ही बढ़ेगा क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो रेंटेड हाउस से निकलकर अपने नए घर में जाते हैं, 2 BHK से 3 BHK या 3 BHK से 2 BHK, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। ये चीज़ जो है भारत में बहुत ज़्यादा है क्योंकि नौकरियां जो हैं वो कुछ सिटीज़ में ज़्यादा मिलती हैं। जैसे दिल्ली की बात कर लूँ, मुंबई की बात कर लूँ, तो गाँव देहात के लोग या फिर छोटी सिटीज़ के लोग, छोटे टाउन्स के लोग जो है वो इस तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे में आपकी हेल्प कर सकता है ये बिज़नेस। तो बिज़नेस के बारे में सब मैंने बता दिया है, बाकी आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे दीजिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।